जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी के थनामंडी के इलाके में एक बार फिर इनकाउंटर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि डेरा की गली और पंगाई में एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है, जहां आतंकियों पर लगातार सुरक्षा बल शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले तीन दिन से लगातार थनामंडी के इलाके के जंगलों में ये मुठभेड़ जो है ये चल रही है, जहां पर कोशिश ये की जा रही है कि जो भी आतंकवादी यहां पर छिपे हैं उन पर जो है पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाए और उन्हें जो है मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन इस बीच जहां पर इस इलाके की बात करते हैं, घने जंगलों से भरा हुआ ये इलाका है, आए दिन ये खबरें निकलकर सामने आती है जहां पर मुठभेड़ जो है यहां पर की जाती है, आतंकवादियों के छिपे होने की घटनाएं जो है यहां पर पेश आती है। और आज सुबह सवेरे भी इस तरह से मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई है, जहां पर ये कोशिश की गई है सुरक्षा बलों की तरफ से कि वहां पर जो भी आतंकी इन जंगलों में छिपे हैं उनका खात्मा जो है वो कर दिया जाए। और इस पर अब क्या कुछ बड़ी अपडेट है, किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, किस तरह से मोर्टार शेल जो है वो दागे जा रहे हैं, इस पर तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद खान राजौरी से जुड़ चुके हैं। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बड़ी अपडेट है, क्योंकि तीन दिन से लगातार ये इनकाउंटर जो है थन्ना मंडी के इलाकों में चल रहा है, इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है? जी, अगर बात करें तो ये इनकाउंटर पुंछ से स्टार्ट हुआ, तो चमड़ेर की गली से होते हुए चोर गली से ये पंगाई एरिया में आ पहुंचा जी। तो अगर बात करें तो पिछले तीन दिन से जो ये इनकाउंटर पंगाई एरिया में चल रहा है वो रुक रुक के फायरिंग का सिलसिला जारी है जी। तो अभी सुबह जो सोरसू के हवाले से हमें खबर मिली है, उसमें भी सुबह भी फायरिंग जो हुई है। अभी अगर बात करें तो काफी जंगल का एरिया है, तो इसमें बड़ा मुश्किल है, जवान को अपनी जान भी बचानी होगी और इनकाउंटर भी अंजाम देना होगा जी। पिछले तीन दिनों की बात करते हैं तो क्या अभी तक कितने आतंकवादी मार गिराए गए हैं? जी, अगर इस एरिया की बात करें तो राजौरी पुंछ की, तो इधर हमारे सेना के 5 जवान शहीद पुंछ में हुए थे, उसके बाद इनकाउंटर जो बंगाई में शुरू हो गया, बंगाई सर्च ऑपरेशन बंगाई में शुरू हो गया, तो आज सुबह रुक रुक के फायरिंग का सिलसिला कल से जारी है। बिल्कुल जावेद, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट मिल रही है कि कितने आतंकवादी इन जंगलों में छिपे हुए हो सकते हैं? अगर आतंकवादियों की बात करें तो जैसे हमें खबर मिल रही है उसमें 2 से 4 के दरमियान हो सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए जावेद। तो जिस तरह से लगातार ये सिलसिला जो है ये बना हुआ है, जहां पर थन्ना मंडी के इलाकों की बात करते हैं, जंगली एरिया है और भारी मात्रा में जहां पर इस इलाके की बात करते हैं तो आतंकवादी जो है ये छिपे हुए हो सकते हैं, इस तरह की आशंका जताई जाती है। और इस बीच जहां पर आज सुबह सवेरे भी इसी तरह के जो इनकाउंटर है वो शुरू किया गया है, अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से इस पर पूरी तरह से कार्रवाई जो है वो की जाती है।